हेलो फ्रेंड्स, हर बीवी को अपने पति के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है और कभी कभी रिश्ते के अंदर खटास आने की वजह से उनके मन में शक भी पैदा होने लगता है कि क्या उनके पति उनके लिए लॉयल या फिर वफादार है या नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देख कर आप अंदाजा लगा सकती है कि क्या आपके पति आपके लिए वाकई में वफादार है या फिर नहीं है। दोस्तों, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से फोकस करने के लिए आपको हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि उनके दोस्त, उनका क्राइटेरिया, वो किस तरीके के दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, किस तरीके के दोस्तों की संगत में रहते हैं। अगर उनके दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं लेकिन अपनी दोस्ती भी निभाते हैं तो आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। लेकिन अगर उनके दोस्त अच्छे नहीं है और उनकी संगत खराब है तो आपको फिक्र करने की जरूरत हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपके हस्बैंड आपसे कहकर जा रहे हैं कि वो ऑफिस जा रहे हैं लेकिन ऑफिस न जाकर वो कहीं और जा रहे हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत है। अगर आपके हस्बैंड से आपको ये जानना है कि वो आपके लिए लॉयल है या नहीं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनसे बस उनका फोन मांग लीजिए। अगर वो बिना झिझके आपको अपना फोन दे देते हैं तो मतलब कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर वो आपको अपना फोन नहीं देते हैं तो आपको सोचने की जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जब भी हम किसी के साथ बातें करते हैं और आई कांटेक्ट ज्यादा होता है तो उस समय हमारे मन में ना कोई शंका होती है और ना ही कोई सवाल होता है। अगर आपके पति आपकी आंखों में आंखें डाल कर सही तरीके से बात कर रहे हैं मतलब वो आपके लिए लॉयल हैं। लेकिन अगर वो आपसे आंखें चुरा कर बात कर रहे हैं मतलब कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। इसी के साथ साथ अगर आपके पति हर छोटी बड़ी चीज पर आपसे राय लेते हैं, हर चीज को आपसे शेयर करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो आपके लॉयल है।